हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब वीडियो। मैं प्रशांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च होता क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपको सेलुलोज के बारे में बताया था, ऐसे ही मैं स्टार्च के बारे में आज डिस्कस करूंगा। ओके, तो स्टार्च होता क्या है। स्टार्च एक होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड मीन्स ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से बनकर मिलकर बने होते हैं, या ऐसा भी कह सकता हूँ ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो स्टार्च जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट से मिलकर बना होता है। ओके, तो इसे इस वजह से हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। दूसरा इसका जो फीचर है, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्यों बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसको क्या है स्टोर करना पड़ता है। यदि एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है तो प्लांट उसको क्या कर देता है, स्टोर करता है। स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च फॉर्म में। तो इसको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग ब्रांच पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो होता है वो लॉन्ग ब्रांच पॉलीसेकेराइड होता है। सेल्यूलोज के केस में मैंने आपको बताया था कि सेल्यूलोज जो होता है वो लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है, और जबकि स्टार्च क्या है, लॉन्ग ब्रांच पॉलीसेकेराइड। लीनियर पॉलीसेकेराइड मतलब उसमें कोई ब्रांच फॉर्मेशन नहीं होता है, जो मोनोमर यूनिट है वो ब्रांच नहीं बनाती हैं, वो लीनियर फॉर्म में जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है स्टार्च के केस में, स्टार्च क्या है लीनियर तो बनाता है, या साथ साथ में उसमें साइड से ब्रांच भी निकलती है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये लीनियर बोलेंगे, लेकिन यहाँ से आगे जाकर के इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकल रही है, तो ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। ओके, अब ब्रांच पॉलीसेकेराइड में दो लाइक पार्ट होती है, एक होता है लीनियर पार्ट होता है और एक ब्रांच पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ बताया ये जो है लीनियर पार्ट है और ये जो है ब्रांच पार्ट है। ओके, तो लीनियर पार्ट होता है स्टार्च के अंदर, लीनियर पार्ट 20-25% होता है। ओके, जबकि जो ब्रांच पार्ट होता है वो 75-80% होता है। तो जो लीनियर पार्ट है उसको हम बोलते हैं अमाइलोज। अमाइलोज होता है जो कि लॉन्ग अनब्रांच्ड होता है, और यह अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। कंप्लीट स्टार्च जो है अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना होता है। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अमाइलोज के केस में जो अनब्रांच है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े होते हैं। स्टार्च की जो दूसरी फॉर्म है वो अमाइलोपेक्टिन है, यह ब्रांच की भी होती है और ये स्टार्च का 75-80% बनाती है, और इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मिलता है। तो जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो ब्रांच फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब जो ब्रांच निकली हुई होती है चेन फॉर्म से, उस किसके बॉन्ड के द्वारा जुड़ी, कौन से बॉन्ड के द्वारा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, एक लीनियर चेन है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कहीं से बीच में से क्या है, दूसरी लीनियर चेन है वो 6 कार्बन से बाइंड कर जाती है, तो यहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है किसका, स्टार्च का। और अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज में कंप्लीट लीनियर होता है। ओके, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ और भी चीजें लिख ली है, नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग। ओके, तो एनोमर जो कार्बन होता है जहां पर एल्डिहाइड होता है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, वो रिड्यूसिंग माना जाता है, बिकॉज अब जब बॉन्ड बनता है उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। ओके, ऑक्सीजन निकलती है तो वो अब जिस किसी भी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलती है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग, या इस एंड को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एंड, बिकॉज अब ये जो फर्स्ट कार्बन है वो क्या है, एनोमर कार्बन है, और एनोमर कार्बन मतलब एल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बन है। जो एनोमरिक कार्बन है वो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है तो इस वजह से वो रिड्यूस हो जाता है, जहां से ऑक्सीजन निकलता है वो रिड्यूस होता है। लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्सीजन किसका है फिर, तो वो ऑक्सीजन वो है फोर्थ नंबर के कार्बन का, किसका है, फोर्थ नंबर के कार्बन का, इस वजह से उसे नॉन रिड्यूसिंग एंड भी बोलते हैं, वो रिड्यूस्ड नहीं होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाला नहीं जाता है। ओके, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो प्लांट है वो स्टार्च को सिंथेसाइज करता है। क्यों सिंथेसाइज करता है, ग्लूकोज जो है एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर करने के लिए, तो एक्सेस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्टार्च में। स्टार्च मतलब बहुत सारे ग्लूकोज को बाइंड करके वो स्टार्च बना देता है, और उस स्टार्च को ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करता है सेल्स के अंदर, और कौन से पार्ट में, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, काइंड ऑफ प्लास्टिड। ओके, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है उसी प्रकार अमाइलोप्लास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है
जैसे कि मैंने सेल्यूलोज के बारे में बताया था कि सेल्यूलोज जो है वर्टिब्रेट उससे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर सेल्यूलेज एंजाइम नहीं मिलता है। लेकिन स्टार्च के केस में क्या होता है कि स्टार्च के लिए वर्टिब्रेट्स के अंदर अमाइलेज एंजाइम मिलता है, उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन के अंदर वो एंजाइम किस में मिलता है, सलाइवा में। तो एक क्वेश्चन आता है पीएमटी वगैरह में कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके, बिकॉज ऑफ सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।